हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए फिर मैं आपके सामने आज ने एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो हमारी क्लास 9th के लिए है, एक्सरसाइज 2.5 है ना। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले 3 क्वेश्चन करा चुका है, जिसकी इस एक्सरसाइज की 3 वीडियो पहले बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शन हैं मैं यहाँ आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा उनका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसका फॉर्मूला मैंने पहले लिख लिया है। देखिए ये मैंने आपका फॉर्मूला लिख कर दे दिया है कि इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं उनको सोल्यूशन उनका सोल्यूशन करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? a+b+c का होल स्क्वायर, है ना। देखिए अगर आप a+b+c ले जाए, कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं जैसे xyz, बट मैंने यहाँ पर a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इनको खोलना है, इनको एक्सपेंड करना है। तो देखिए चलिए फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a = x, b = 2y एंड c = 4z, है ना। देन इसको खोल देंगे किससे, a² है ना, a = x² + b² = 2y² + c² = 4z² ओके नाउ +2ab + 2bc। तो देखिए हम इसे a+b+c के होल स्क्वायर से खोल देंगे, कैसे हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर x है, देन x² हम इसे a+b+c के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, a² - x² + b² - 2y² + c² - 4z² ओके +2ab - 2 a की वैल्यू यहाँ पर x, b - 2y ओके स्टूडेंट्स, +2bc - 2 b की वैल्यू है 2y एंड c की वैल्यू 4z +2ca 2 * 4z मल्टीप्लाई x ओके। अब देखिए हमने क्या करा, इसे a+b+c के होल स्क्वायर से हमने इसे खोल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे ये तो x² हो जाएगा, x² + 2 * 4 = 4y² + 4 * 4 = 16 = 16z² + अब देखिए 2 की x और 2y, तो 2 * 4 = 4xy + है ना। अब 2 * 4 एंड 4 * 4 = 16yz + 2 * 4 = 8, देन 8zx, ये आपका आंसर आ गया ओके। मीन्स x + 2y + 4z का होल स्क्वायर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम इसे a+b+c को होल स्क्वायर से खोलते हैं। देखिए a की वैल्यू यहां पर है a = 2x, b = -y एंड c = z। देखिए इससे पहले जो हमने ऑप्शन किया था इसमें सारी वैल्यू प्लस की थी, बट इसमें a प्लस का है, c भी प्लस का है, बट b जो है वो माइनस वाई है। चलिए अब हम इसे a+b+c के होल स्क्वायर से खोलते हैं, कैसे। तो देखिए यहाँ पर देखिए a² का मतलब क्या है, 2x
टू एक्स का होल स्क्वायर ओके प्लस, अब देखिए बी की वैल्यू है माइनस वाई, देन माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है जेड, जेड का स्क्वायर ओके प्लस टू ए बी, टू इंटू ए की वैल्यू है टू एक्स इंटू बी की वैल्यू माइनस वाई ओके प्लस टू बी सी मीन्स टू इंटू माइनस वाई इंटू सी की वैल्यू जेड ओके प्लस टू सी ए, टू इंटू जेड इंटू ए की वैल्यू है टू एक्स ओके। तो देखिए वैल्यू पुट कर दिए, अब हमने केवल इनकी कैलकुलेशन करनी है, देन क्या होगा टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का वाई है, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, देन प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एंड देखिए प्लस माइनस माइनस, देन माइनस फोर एक्स वाई ओके। यहां पर आ जाइए, अब देखिए ये टू है ना और इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो रही है माइनस वाई में है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस मीन्स माइनस टू वाई जेड एंड प्लस टू टू जा फोर जेड एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट शॉट लेकर के इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये दो ऑप्शन और मैंने लिए हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर थर्ड है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए वही कर लेंगे, ए इजकल टू कितना है माइनस टू एक्स, बी इजकल टू थ्री वाई एंड सी इजकल टू टू जेड ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स है ना प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर है ना, तो इसे कर देंगे किससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए ए का स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर ओके प्लस टू ए बी मीन्स टू इंटू माइनस टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय थ्री वाई प्लस टू बी सी। तो देखिए टू इंटू बी की वैल्यू थ्री वाई इंटू सी टू जेड ओके एंड प्लस टू सी ए, टू इंटू टू जेड इंटू माइनस टू एक्स ओके। अब देखिए कैलकुलेशन कर देंगे, टू 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 जा फोर माइनस माइनस प्लस, देन फोर एक्स स्क्वायर ओके प्लस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन वाई स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर जेड स्क्वायर ओके। अब देखिए इसमें आ जाइए टू ए बी में, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देन माइनस ट्वेल्व एक्स वाई ओके प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, देन प्लस ट्वेल्व वाई जेड एंड टू टू जा फोर, फोर टू जा एट एंड प्लस माइनस 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 एट जेड एक्स, ये इसका आंसर होगा ओके। अब देखिए ऑप्शन नंबर फोर, देखिए ये है ए इजकल टू थ्री ए, बी इजकल टू माइनस सेवन बी एंड सी इजकल टू माइनस सी ओके। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा थ्री ए प्लस माइनस सेवन बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर ओके। तो देखिए इसे हम वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए।
तो देखिए ए स्क्वायर के लिए 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर ओके प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b ओके प्लस 2bc 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2ca 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a ओके ये हमने वैल्यू पुट तो देखिए अब ये वैल्यू पुट हो गई है अब हमने क्या कैलकुलेशन करनी है तो देखिए 3a स्क्वायर 3 जा 9 a स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस 7 जा 49 b स्क्वायर ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस c स्क्वायर प्लस अब देखिए 2 3 जा 6 6 7 जा 42 देन माइनस माइनस 42 ए बी है ना अब 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस देन प्लस 14 बी सी एंड देखिए 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 6 सी ए ये इसका आंसर हो गया तो देखिए ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो गए हैं आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें सेव कर लीजिए तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 5 है इसको आप और देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके और दिखाता हूँ ये है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर देखिए वही वैल्यू कर लेंगे a इजकल टू माइनस 2x b इजकल टू प्लस 5y एंड c इजकल टू माइनस 3z ओके तो देखिए इससे क्या वही a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से खोल देंगे है ना तो देखिए क्या बन जाएगा ये माइनस 2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z इसका होल स्क्वायर अब देखिए a की वैल्यू 2x है देन a स्क्वायर मींस माइनस 2x का होल स्क्वायर ओके प्लस b स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर ओके प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 2x मल्टीप्लाई 5y प्लस 2bc मीन्स 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z ओके एंड प्लस 2ca प्लस 2 इंटू c की वैल्यू माइनस 3z एंड मल्टीप्लाई माइनस 2x ओके अब देखिए वैल्यू पुट कर दिया सीधे कैलकुलेशन करनी है क्या हो जाएगा माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में 2 2 जा 4 देन 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 5 जा 25 y स्क्वायर एंड माइनस 3 3 जा 9 प्लस 9z स्क्वायर ओके अब देखिए इसमें आ जाइए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 20x y 2 5 जा 10 10 3 जा 30 देन माइनस 30 y z ओके प्लस अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12 z x ये इसका आंसर है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सेव कर लीजिए देखिए इस क्वेश्चन के मैंने 5 ऑप्शन आपको करा दिए क्वेश्चन 4 के 5 ये लास्ट वाला ऑप्शन है 5 ऑप्शन के सॉल्यूशन करके मैंने आपको दिखा दिए हैं आप इनको ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में या सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और वीडियो में अगर कहीं फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके
भेज सकते हैं, या कहीं पे आपको डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो मैं आपको उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।